नमस्कार, मम नाम अनु, BMS अंतिम वर्ष छात्रा, अध प्रणय वैद्य ऋतु मोंग्या, अहम अद भाषण करोति शिरोवस्ती। एज वी ऑल नो, सिर इज नोन एज उत्तमांग। आचार्य चरक मेंशन इन चरक सूत्र स्थान अध्याय 17, प्राण प्राणमृताम यत्र स्थितः सर्व इंद्रियाणि च तत् उत्तम अंगानाम सिरः तत् अभिधीयते। जहाँ पर प्राण और सारी इंद्रिया लोकेटेड हैं, जहाँ पे वायु और उसके फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, उसको सिर बोलते हैं। सिर को उत्तमांग कहा जाता है। आचार्य चक्रपाणि ने कहा है, अनामय यथा मूले वृक्ष सम्यक प्रवर्धते, अनामय सिरश्च एवं देह सम्यक प्रवर्धते। इट मीन्स जैसे एक ट्री को ग्रो करने के लिए उसकी रूट्स का हेल्दी होना या डिजीज फ्री होना आवश्यक है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने के लिए उसके हेड का हेल्दी होना आवश्यक है। हेड को हेल्दी रखने के लिए हम मूर्द तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मूर्द तेल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हर्बल ऑयल्स को या घृत को स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है एक फिक्स टाइम के लिए। मूर्द तेल एक पार्ट है दिनचर्या का। नित्यम स्नेह आदर सिरश्चय सिरह शूलम न जायते न खालित्य न पालित्यम न केशा प्रपंतति च बलम सिरह कपाला नाम विशेषण अभिवर्धते दृढ़ मूलाः च दीर्घा च कृष्णा केशा भवति ही इंद्रियाणि प्रसिदंती सूतवक भवति च अनानम निंद्रा लाभ सुखम च स्यात् मूर्धनि तेल सेवनात्। आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 में बोला है, मूर्ध तैल के लाभ, इससे सिर शूल खालित्य पालित्य केश किसी के झड़ते हो उनसे बचाव करा जा सकता है। यह हेयर्स को डीप रूटेड लॉन्ग डेंस बनाने में हेल्प करता है। सेंस ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फेस के कॉम्प्लेक्शन और ग्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सुखपूर्वक निंद्रा लाने में हेल्प करता है। स्ट्रेस को ये रिलीव करता है। जो सिरो अभिघात के कारण जो रोग होते हैं, मूर्द तैल उनसे भी उनको भी प्रिवेंट करता है। टाइप्स ऑफ मूर्द तैल, अभ्यंग शेक पिचव वस्ती च इति चतुर्विधम मूर्द तैलम बहुगुणम तत्विद्यात उत्तरोत्तम। यह श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का है। इसमें मूर्द तैल के चार टाइप बोले गए हैं, अभ्यंग शिरोशेक शिरोपिच्चो शिरोवस्ती। ये उत्तरोत्तर गुण, इनका उत्तरोत्तर गुणवर्धन होता जाता है। शिरो अभ्यंग, अभ्यंग मीन्स सिर पे एक हर्बल ऑयल से मसाज करना एक फिक्स टाइम के लिए। शिरोशेक या शिरोधारा, जो हर्बल ऑयल्स या मेडिकेटेड लिक्विड्स लाइक मिल्क या तक्र से करा जाता है एक फिक्स टाइम के लिए, सिर पे एक धारा दी जाती है। सिरो पिच्चू, ये ऐसा प्रोसीजर है जिससे एक रुई के फाये को हर्बल ऑयल में डिप करके उसको सिर पे रखा जाता है और उस पर बैंडेज बांध दी जाती है। यह प्रोसीजर या तो एक या दो घंटे के लिए या हाफ डे के लिए भी करा जा सकता है। फिर आता है शिरोवस्ती, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल को हेड के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है एक कैप की हेल्प से एक फिक्स टाइम के लिए। इसमें क्या क्या मटेरियल और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, लेदर कैप जो 12 अंगुल लंबी होती है, गाय अथवा भैंस का सुमर्दित चरम उससे ये बनती है, यह 12 अंगुल ऊंचा व सिर के बराबर लंबाई में हो, इससे दो मुख वाली टोपी बना ले, या जो रेडीमेड कैप आती है वो भी ले सकते हैं, वह एक चाहिए। ब्लैक ग्राम फ्लोर 250 ग्राम चाहिए। मेडिकेटेड ऑयल 1.5 लीटर चाहिए। एक कॉटन क्लोथ चाहिए। गैस स्टोव चाहिए। 3 वेसल्स चाहिए। रासनादि चूर्ण 5 ग्राम। एक सुखासन या आम चेयर एक चाहिए। मैन पावर आयुर्वेदिक फिजिशियन एक, अटेंडेंट एक चाहिए। इसमें जो मेडिकेटेड ऑयल हैं वो कॉमनली यूज होते हैं, धनवंतरी तेल, नारायण तेल, शीरबला तेल, बला तेल, चंदन आदि तेल, बला अश्वगंधा आदि तेल, ब्राह्मी तेल। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर, इसके पूर्व क्रम में स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन कराना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि शिरोवस्ती का बेस्ट रिजल्ट शोधन के बाद ही आता है। प्रधान क्रम, पूर्व क्रम करके पेशेंट को बिना भोजन अथवा यथादोष भोजन करा के मंगलाचरण करके रोगी को आसन पर बिठा दें। रोगी को ईयर से ऊपर केशांत भाग में मांसपिष्ट का 2 अंगुल चौड़ा लेप लगाकर उसके ऊपर उसी मांसपिष्ट सशक्त वस्त्र बांध दें। इस पिष्टि सशक्त वस्त्र से के ऊपर से शिरोवस्ती कोश धीरे से रखकर कोश मूल को दृढ़ रस्सी से
कसकर बांध दें ताकि पुनः उसके ऊपर पुनः पिस्त से लेप दें ताकि लीकेज न हो। स्नेह सुखोषण करके वस्ती कोष में भर दे। यह स्नेह केस भूमि में 2 अंगुल ऊपर तक भरा रहना चाहिए। अगर उसका ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाए तो वस्ती कोष से थोड़ा सा ऑयल निकाल कर उसको दोबारा गर्म करके पुनः वस्ती कोष में डाल दें। इन पिक्चर्स में शिरोवस्ती का प्रोसीजर दिखाया गया है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, वातस डिसऑर्डर में 10,000 मात्रा काल, पित्तज में 8,000 मात्रा काल, कफज में 6,000 मात्रा काल, स्वस्थ व्यक्ति में 1,000 मात्रा काल। इसको आचार्य शरंगधर ने बोला है कि हम शिरोवस्ती को किसी भी समय कर सकते हैं। पश्चात क्रम, स्नेह को रिमूव करना, कैप को रिमूव करना, फिर स्कैल्प को कॉटन के कपड़े से पोंछना और उसकी स्पंजिंग करना, फिर हेड शोल्डर अपर पार्ट ऑफ बैक नेप ऑफ नेक एंड सर्वाइकल एरिया को धीरे धीरे मसाज करना उसी ऑयल से 5 या 10 मिनट के लिए। जब यह शिरोवस्ती का कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद रासना आदि चूर्ण को थोड़ी सी अमाउंट में लेके सिर पे रब करना है। इंडिकेशन, प्रबल दारुण प्रकार के शिरो रोग, शिर प्रसुप्ति, नासासोष, अर्दित, तिमिर, रात्रि में निंद्रा न आना, वाक संग। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मूर्ध तेल अभ्यंग आदि प्रयोग से होने वाले लाभ भी शिरोवस्ती से हो जाते हैं। वात शिरो रोग, कर्णशूल, हनुग्रह, अक्षिशूल, मन्यास्तम और शिरकंप में भी शिरोवस्ती लाभ देती है। थैंक यू।